गया पता नहीं कैसे, और ये पता है कहाँ को गया, ज्यादा से ज्यादा यहाँ जाके हाँ देखो वैसे तो गाड़ी साफ है, बस ये हल्के हल्के छींटे आए ना ये साफ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है और अभी ना मैं वीडियो कर रहा हूँ अपलोड। इसके बाद के सीन ये है, मेरे को जाना है, बाइक स्टार्ट हुई, पीछे साउंड आ रहा होगा आपको। इसके बाद के सीन ये है, मेरे को जाना है अमित भाई के पास। जैसे कि आप सबको उस दिन मैंने बोला था ना ब्लेरो की वीडियो बनाऊंगा मैं, और काफ़ी कमेंट्स आए इस चीज़ से रिलेटेड मेरे को कि भैया ब्लेरो की वीडियो बनाओ। काफ़ी लोगों को ये चीज़ नहीं पता है कि जो ब्लेरो SLX है वो 4x4 में भी आती है। तो बाकी बातें बाद में करते हैं, पहले अमित भाई के पास चलते हैं, ब्लेरो उठाते हैं वहाँ से, उसके बाद पूरी वीडियो बनाते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन जो भी है वो आपको बाद में आगे जाके मिलेगी। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और आज का दिन करते स्टार्ट, लेट्स गो। और ना नेट की स्पीड काफ़ी कम है यार, काफ़ी ज़्यादा। अपनी ना जिप्सी का भी तरपाल यहाँ पे पड़ा हुआ था यार, ये कुल्लू भेजा था ना ये जो शीशे इसको ब्लैक करने के लिए, बट उनसे हुआ नहीं। अभी देखते हैं परमवीर भाई के पास ले जाएंगे, वहाँ पे कराते हैं काम जाके। परसों गाड़ी वॉश करके रखी थी मैंने यहाँ पे ना, लेकिन इस साइड आप देख सकते हो कीचड़ ही कीचड़ लग गया है, जाके ना पानी मारना पड़ेगा। और ना ऊपर बारिश के करके ना धूल चिपक गई है, देखते हैं पानी मारते जाके। और तरपाल डाल दिया मैंने पीछे यार, पानी मैंने मार दिया ना। और हुआ पता क्या था, गाड़ी मेरी बिल्कुल साफ थी, बस इस साइड से जो ये वाले टायर थे ना ये मैंने नाली की तरफ कर रखे थे, तो पूरे में कीचड़ लग गया। उस दिन मैंने स्प्रे मारी थी जो डिगे भाई ने दी थी ना, इसलिए आपको दिख रहा है ये थोड़ा लिक्विड लिक्विड जैसा लग रहा है ना, ऑयली सा, ये उसी की वजह से है। बाकी ऊपर मैंने पानी इसलिए मारा क्योंकि थोड़ी सी हवा से धूल उड़ के आ गई थी। इस साइड देखो बिल्कुल शाइन मार रहे टायर। यार परमवीर भाई के पास मैं पहुंच गया ना, और यहाँ पे देखो इन दोनों को, हेलो हेलो टिप्सी, हेलो जूही, हेलो जूही टिप्सी, हाउ आर यू। आज जाके खुश हुए मेरे को देख के। तो अभी किसी जैसे ना तरपाल खोल देते हैं और तरपाल को यहाँ पे छोड़ते हैं। और ये देखो ओपन जिप्सी अगर रखोगे ना तो भाई ये चीज़ नॉर्मल है, हवा से भी ऐसी धूल आ जाती है। अमित भाई हेलो जी, कैसे हो आप, संडे को भी ओपन? हाँ तो यार ये रही अपनी ब्लेरो, इसको लेके जाएंगे अभी हम। अभी अमित भाई की जिप्सी यहाँ पे लगी थी ना, यहाँ से निकाल के मैंने यहाँ पे रख दिया क्योंकि इसको लेके जाना है। और अपनी जिप्सी को डालते हैं अभी यहाँ पे, जिप्सी मैंने वहीं पे पार्क कर दी थी। मैंने पहले बोलना था ना कि अमित भाई की ब्लेरो को मैं यहाँ से हटा के वहाँ डाल रहा हूँ, मैंने गलती से बोल दिया अमित भाई की जिप्सी। हनी ने बताया मेरे को, मैंने ना ब्लेरो को जिप्सी बोल दिया। कोई बात नहीं, जिप्सी ब्लेरो एक ही बात है। अभी यार हम लोग बंटू भाई को भी अपने साथ ले जाने के लिए आ गए। बंटू भाई रेडी? चलिए फिर, आज संडे है, संडे की राइड करेंगे हम। ओहो यहाँ पे देखो नया काउंटर, नया काउंटर बन गया, पहले सिर्फ यहाँ तक था ना, अब यहाँ पे भी काउंटर बना दिया। और यार हम लोगों ने लास्ट संडे को प्लान बनाया था कि अगले संडे को हम लोग जाएंगे कहाँ, प्राशर है ना, तो अगले संडे को हमने आज हमने जाना था प्राशर लेक, लेकिन अमित भाई को थोड़ा सा काम पड़ गया दुकान में, तो वो चीज हमको कैंसिल करनी पड़ी, वो अब अगले संडे के लिए। और अभी के सीन जैसे यहाँ से निकलेंगे, थोड़ी सी गेड़ी मार के आएंगे और ब्लेरो का रिव्यू करता हूँ, ब्लेरो के बारे में बताता हूँ आपको, क्योंकि ना काफी लोगों को नहीं पता है कि ये वाली जो ब्लेरो है 4x4 भी आती है, पूरी डिटेल में वीडियो बनाते जाके। और वेदर आप लोग देख सकते हो यार, वेदर ना खराब हो रहा है, वो देखो वहाँ पे ऐसा लग रहा है बर्फ पड़ने वाली है। बर्फ तो क्या ही पड़ेगी, बारिश पड़ेगी, बट ऊपर ऊपर बर्फ लगेगी, मनाली में तो बारिश ही पड़ेगी। तो चलते हैं अभी यहाँ से। तो यार अपनी लोकेशन में हम लोग एंटर हो चुके हैं और भाई दो रहा है वहाँ टेम्पो। लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे ना यार, यहाँ से रास्ता था, बट अब खोद दिया है, रास्ता बंद करके रखा है, और इसके बाद आगे गाड़ी कहीं पे भी नहीं जाएगी, है ना, इसके बाद गाड़ी कहीं पे भी नहीं जाएगी। तो अभी के सीन जैसे है, गाड़ी को हम यहीं से मोड़ेंगे और उस साइड वाली लोकेशन में लगाने वाला हूँ मैं गाड़ी, और वहाँ जाके पूरा रिव्यू देता हूँ आपको इस गाड़ी का। लोकेशन में हम लोग पहुंच गए हैं और स्टार्ट करते हैं अभी इस ब्लेरो का रिव्यू। और ना ये वाली जो वीडियो है ये सेपरेट डालूंगा मैं, जो रिव्यू होगा ना, क्योंकि इसके साथ डाल के फायदा नहीं है, ये स्पेशल वीडियो होनी चाहिए। चलिए अभी इस ब्लेरो का रिव्यू स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं उसके बाद। तो यार अभी निकलते हैं सर, गाड़ी को ना मैंने 4x2 में रखा हुआ है,
बिल्कुल आराम से। और अभी के प्लान्स हमारे कुछ ऐसे है ना, एक नया रोड खुला हुआ है मनाली में, ऑफ रोड बिल्कुल, जहाँ पे की सिर्फ बाइक्स जा सकती है और 4x4 जा सकती है। तो अभी एक बार जिप्सी लेके जाएंगे हम लोग। तो अभी मैं और हनी जा रहे हैं, बंटू भाई दुकान में काम है, बंटू भाई को दुकान में काम है, तो बंटू भाई को दुकान में छोड़ते हैं, उसके बाद निकलते हैं। तो यार अभी के सीन्स पता है क्या है, हम लोग बिल्कुल आराम से पीछे को जा रहे थे ना, इसके लॉक्स निकल गए और ये ना पानी में गिर गया। हनी को देखो गीला हो गया, ये इसको बचाने के लिए ना पानी में घुसा। मैं दिखाता हूँ आपको, फिर पता है क्या हुआ, हम लोग यहाँ से आराम से जा रहे थे ना, ये अपने आप ही निकल गया पता नहीं कैसे, और ये पता है कहाँ को गया, ज्यादा से ज्यादा यहाँ जाके रुक जाता है या यहाँ रुक जाता है। हनी कूद गया पानी में, क्यों भाई, इसको लगा ये चला जाएगा कहीं। तो यार लॉक्स हम ले आए, कौन से वाले लॉक्स है, दिखा ये वाले लॉक्स है, और अभी हम लोग जा रहे हैं रांगड़ी, रांगड़ी में जाके लगाएंगे हम ये फेंडर। ऊपर ना बारिश पड़ रही थी और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है। तो यार ब्लेरो को लेके पहुंच चुके हैं हम अपनी लोकेशन में और यहाँ पे फेंडर लगाते हैं। और ना एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं हुआ क्या, जैसे कि ये होता है ना यहाँ पे फेंडर, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये लॉक्स लगे होते हैं, देखो ये लॉक्स निकल गए हैं, तो करना कुछ नहीं है यहाँ पे लॉक्स लगाने हैं। यार गाड़ी का काम हमारा हो चुका है और आप देख सकते हो ना बिल्कुल परफेक्ट लग गया है। तो चले, इसके बाद काफी प्लान्स हैं हमारे, वो एग्जीक्यूट करते हैं जाके। वैसे तो गाड़ी साफ ही है ना, लेकिन फिर भी एक बार पानी मार देते हैं, क्योंकि ये वाले जो टायर और रिम मैंने कीचड़ फेंकते हैं। यहाँ देखो वैसे तो गाड़ी साफ है, बस ये हल्के हल्के छींटे आए ना ये साफ हो जाएंगे। तो गाइस गाड़ी हो चुकी है वॉश और इसके बाद निकलेंगे हम अमित भाई के पास। तो गाइस गाड़ी हो चुकी है यहाँ पे पार्क और अभी जाते हैं अमित भाई के पास, अमित भाई को ना सरप्राइज देते हैं। इस साइड की जो ये ब्रेक लाइट का कवर टूटा था ना, ये हम ले आए, और ये पता है जिप्सी का सामान बहुत सस्ता है, 100 रुपए में ना, ये वाला भी, ये भी और ये भी, तीन चीज सिर्फ 100 रुपए में। और कवर वैसे मिलते हैं, कई लोग बोलते हैं कि पूरी लाइट खरीदनी पड़ती है, लेकिन कवर मिलते हैं यार अकेले। और मैंने क्या किया, जो यहाँ पे पुरानी वाली थी ना वो भी खोल दिया, यहाँ पे भी नई लगा दी है, जब आई है तो लगा देते हैं, और पुरानी वाली मैंने रख दी आगे, स्पेयर में कभी काम आ जाएगी। अभी हनी और मैं निकल रहे, आप नहीं चला मित्र भाई, हनी और मैं निकल रहे एक सीक्रेट जगह पे, नया रोड खुला हुआ है तो जिप्सी लेके निकलेंगे। चलो यार हम लोगों ने ना यहाँ से जाना है लेफ्ट को, ये वाला है जो जगत चुको निकलता है रास्ता। तो यार ये जो रोड है ना ये अभी बना हुआ है, तो यार जैसे बाणू पुल से एंटर होते हैं ना यहाँ से राइट लेना है, एक रास्ता ऊपर जाएगा, ऊपर नहीं जाना है, राइट लेना है। यहाँ से ना ऑफ रोड स्टार्ट हो गया है, देखो यहाँ से जाना आगे को और ऑफ रोड। तो यार हमसे आगे ना एक इटियोस गई और ये फंस गई, इनको पता नहीं क्या हुआ, एंड में वहां ऊपर तक गए, वहां ब्रेक मारती और रिवर्स आ रहे। यार कुछ इस तरह का रोड है यहाँ देखो, और पीछे तो रिस्की था थोड़ा सा, है ना, बचने के चांसेस, इसीलिए वो ईटीओस वाला ना वापस चला गया, और पूरा ऑफ रोड है ये देखो, ये देखो। 4x4 लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन झटके काफी ज्यादा लग रहे हैं। और अभी दिखाता हूँ आपको मैं कि ये रास्ता कहाँ निकलेगा ऊपर को, कंस्ट्रक्शन, ओ देखो, ओ यार हर कुछ ही आया और लाइव कैप्चर हो गया। देख सकते हो आप पूरी ना खड़ी चढ़ाई है, 4x4 मैंने लगाया नहीं है, 2H में चला हूं, लेकिन पूरी ऐसी खड़ी चढ़ाई है। देखो फर्स्ट गियर से ऊपर गियर ही लग रहा है, फर्स्ट गियर में चलना पड़ रहा है, 4x4 नहीं लगाया ना, लेकिन फर्स्ट गियर है और ये ऐसे चढ़ रही है गाड़ी, झटके बहुत लग रहे हैं, क्या बोलता है यार ये दिख रहा है आपको, ये जगतसुख वाला एरिया और मेन रोड, और यहाँ पे निकलता है, ज्यादा दूर नहीं है ना,
ज्यादा दूर नहीं यार, शॉर्टकट है, एकदम पहुंच गए ऊपर। और रोड अगर अच्छा हो जाएगा ना फिर तो पता भी नहीं चलेगा कब ऊपर पहुंचे। तो यार जगत सुख रोड ये वाला रहा ना ऊपर वाला, और इसके बिल्कुल ऑपोजिट में वो दिख रहा है आपको, ये वाला जो वाटरफॉल है, ये जो ये वाला वाटरफॉल है ना, ये वाला मेरी उंगली में फोकस हो रहा है यार, जो सामने आपको वाटरफॉल दिख रहा है ना, ये है पारशा वाटरफॉल। ये काफी कम लोगों को पता है इस वाटरफॉल के बारे में, और बहुत सुंदर है। तो अगर मैं पास से आपको दिखाऊं ना, वाटरफॉल बहुत सुंदर है, बताया दूर से इतना सुंदर दिख रहा है। तो अगर आप लोग चाहते हो ना अगर देखना है क्लोज से, तो कमेंट में जाके मेरे को बता दो, किसी दिन ना स्पेशल चलेंगे पारशा वाटरफॉल और वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो यार ये पहुंच चुके हैं मेन रोड में। पहले सोचा था हमने कि नीचे वाले रोड से जाएंगे ना, लेकिन फिर से कौन ऑफ रोड में जाए यार, तो यहाँ से निकलेंगे डायरेक्ट। हेलो बड़ी, आजा। हेलो हेलो हेलो, आजा आजा आजा, चला गया। तो यार हम लोग पहुंच चुके हैं अमित भाई के पास, और गाड़ी अपनी हो चुकी है वहाँ पे पार्क, और ना तब से लेके लंच भी नहीं किया, देखते लंच का भी कुछ करना पड़ेगा। तो यार यहाँ पे मिल चुके हैं मेरे को, क्या नाम है? स्वास्तिक। और हर्ष। इशु। ठीक है। और शिवांश। ठीक है। ये मेरे मनाली के छोटे छोटे सब्सक्राइबर है। और क्या सजलपुरी भाई है? ठीक है, सजलपुरी देख रहा है ना वीडियो, ये भाई मिल गया। हेलो भैया। अभी यहाँ से निकलते हैं, मेरे को ना बंटू भाई के पास जाना है, ब्रेक लाइट और रिवर्स लाइट में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, बंटू भाई के वहाँ जाके ठीक करते हैं। ठीक है अमित भाई, मिलेंगे ना। बाए। कुछ प्लान किया हुआ है, बाद में बताएंगे, अभी नहीं बताना है। ठीक है, ये शॉट मैंने दूसरी बार लिया, पता पहले वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई थी। बंटू भाई के पास मैं पहुंच गया था ना, और आप जैसे कि देख सकते हो अंधेरा हो गया। एक्चुअली हम काफी देर से काम कर रहे थे, और यहाँ पे ना छोटा सा एक्सीडेंट भी हो गया था, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि यार थोड़ा हड़बड़ाहट में ना हेल्प वगैरह कर रहे थे। तो अभी के सीन ऐसे है, जो ये ऊपर वाली मेरी लाइट लगी है ना यहाँ पे, इसके लिए हम पत्ती बनवा रहे हैं, क्योंकि लाइट अदरवाइज ना यार ऊपर को जा रही है हवा में, तो पत्ती बनाएंगे प्रॉपरली, इसको लगाएंगे। पत्ती मेरी बन चुकी है, कुछ इस तरह से बनी है, देखो बिल्कुल परफेक्शन के साथ। और ना इसको ब्लैक पेंट मारना पड़ेगा, अभी चलते हैं वशिष्ठ को ऑफिस ना, और वहां जाके स्प्रे मारेंगे ब्लैक, उसके बाद लगाऊंगा मैं। और टाइम काफी ज्यादा हो गया, 7:30 हो गया, निकलते हैं यहाँ से। तो यार वशिष्ठ में पहुंच चुका हूँ, और ना सबसे पहला काम करते हैं अब इसको ना ब्लैक स्प्रे मारते हैं, क्योंकि ऑफिस में ब्लैक स्प्रे पड़ी हुई है। तो यार ब्लैक स्प्रे हो चुका है खत्म, एक्चुअली पिछले कल मैंने देखा था पड़ा हुआ, बट अभी खत्म हो गया वो। तो अभी की सीन जैसे है ना, इस पत्ती को रहने देते हैं, कल मारेंगे ब्लैक स्प्रे, और कल ना दिन में आराम से फिट करेंगे। और मम्मी का भी कॉल आया था, वो मार्केट में, कहते मेरे को लेने के लिए आ जा, तो देखते अभी फोन जैसे ही आएगा ना फिर उनको लेने के लिए भी चलते हैं मार्केट को। तो यार अभी मम्मी ने फोन तो मेरे को किया नहीं है, तो एक काम करते हैं यहाँ से चलते हैं घर को, जैसे ही कॉल आएगा ना फिर निकलेंगे। कॉल आया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर वीडियो को घर जाके एंड करते हैं। अभी मैं जीजू घर आया था, यहाँ देखो। हेलो मामू, हाउ आर यू? आई आल्सो वांट टू कम। हेलो मामू, से हाय। हेलो, लेट्स गो टू चाची। से हेलो मामू, से हेलो। आई एम आल्सो कमिंग। ये ना अपने पापा को रूम से बाहर निकालता है। आई एम आल्सो कमिंग मामू, से हेलो। से हेलो एवरीवन, से हेलो एवरीवन, से हेलो एवरीवन। अभी घर में पहुंच चुका हूं, एंड अभी करते हैं एडिटिंग, क्योंकि कल के थोड़े से प्लान्स हैं मेरे ना, तो सुबह मैं एडिटिंग नहीं करूंगा, अभी देखते रात के चाहे 1-2 बज जाए, आज रात को ही मैं एडिटिंग खत्म करने वाला हूं। बाकी आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, और मिलते हैं कल एक न्यू एंड फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Minimum, minimum, love. Minimum, minimum, stress. That's your best classic.